कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, चलती रहे ये बातें, एक एक करके आप सबसे होती रहे मुलाकातें। बोलते आईने, बोलते आईने। बोलते हैं ना YouTube चैनल के इस विशेष श्रृंखला के अंदर आप तमाम जितने भी नाजरीन जितने भी श्रोता गण हमारी दुनिया से जुड़े हुए हैं आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है। प्यारे दोस्तों नाजरीन, मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहता हूं, मैं आपका दोस्त सैमसन डेविड और बोलते आने की जितनी भी श्रृंखलाएं हैं 100 से ज्यादा अभी तक हम ऐसे शख्सियात को लाए हैं आपके सामने, चाहे वो म्यूजिक से हो, डांस से हो, थिएटर से हो, फाइन आर्ट से हो, लिटरेचर से हो, ऐसे तमाम शख्सियात को बुला के हम उनकी लाइफ का जश्न मनाते हैं, यानी वी ट्राई टू सेलिब्रेट द लाइव्स ऑफ दीज ग्रेट पर्सनैलिटीज हु आर एग्जिस्टिंग इन द मॉडर्न एज फ्रॉम द डिफरेंट डोमेन ऑफ एरियाज ऑफ कल्चर एंड आर्ट। अलावा इसके हम एक डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए, जो हमारी पोस्टेरिटी के लिए बहुत काम आएगा। अगर वो तबले का ज्ञान लेना चाह रहे हैं, पखावज का ज्ञान लेना चाहे, नृत्य को, संगीत को, फाइन आर्ट्स का, तो यकीनन ये बहुत बड़ी एक बात है। इस डेटाबेस को फ्यूचर जनरेशन सर्च करेंगी, उस पर रिसर्च करेंगी और फर्दर करेंगे इंडियन कल्चरल हेरिटेज को। तो प्यारे दोस्तों, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं फॉर्मल इस्तकबाल और नमस्कार बोलना चाहूंगा आज के हमारे खास मेहमान जो हैं प्रोफेसर हरभजन सिंह धारीवाल साहब हैं, पखावज जी आपको बहुत बहुत नमस्कार सर। प्रोफेसर नमस्कार सर, नमस्कार। बोलते आने की इस विशेष श्रृंखला में हम आपको बुला के निमंत्रण दे के बहुत हर्षित महसूस कर रहे हैं और आपके बारे में अपने दर्शकों को बताऊंगा, फिर उसके बाद आप पूरा इस पे स्क्रीन पर आएंगे और तमाम सवालात जो हैं हमारी तरफ से उनसे हम पॉइंट बाय पॉइंट आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। तो आप प्रोफेसर हरभजन सिंह धारीवाल पखाव जी साहब लाहौर बाज के हैं, जो कि बड़ा मशहूर पंजाब का घराना है, और आप शागिर्द संगीत आचार्य डॉक्टर लक्ष्मण सिंह सेन जी, एक बहुत बड़ा नाम है तबले और पखावज के, उसमें आप उनके शागिर्द रहे हैं। डॉक्टर नहीं है सर जी, संगीताचार्य अस्पताल लक्ष्मण सिंह से, संगीत नाटक अकादमी आवाजी कह सकते हैं, संगीत नाटक, संगीत नाटक अकादमी जी जी आवाजी। और ये पखाव जी हैं लाहौर बाज और पंजाब घराने के विशेषकर, और आपने जो है एक सीनियर रिसर्च स्कॉलर की हैसियत से भी नाद म्यूजिक इंस्टीट्यूट जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, आप उसके साथ जुड़े हुए हैं, और आपकी जो प्राइमरी ट्रेनिंग शिक्षा जो हुई तबला के अंदर वो बाबा रू शाह बटाला वाले, तो आपसे करीबन 5-6 साल तक आपने एडवांस ट्रेनिंग ली और उसके बाद जो है तकरीबन 20-21 साल तक लगातार आप ग्रेट मैस्त्रो उस्ताद लक्ष्मण सिंह सीन जी से, आपने जो कि पंजाब घराना के जैसे पहले भी बताया आप उनके डिसाइपल या शागिर्द रहे, और सीन साहब जो है वो खुद डिसाइपल रहे एक बड़े भारी जो कि कया कलाकार या डोयन ऑफ पंजाब घराना बोल दूं तो मियां कादिर बख्श साहब के, ये एक सिलसिला चलता रहा। आजकल जो है आप देश विदेश में पखावज का पंजाब घराना का जो विशेष करें उसको आप परफॉर्मेंस के थ्रू, लेक्चर्स के थ्रू, वर्कशॉप्स के थ्रू उसको ज्यादा से ज्यादा फैला रहे हैं। इससे पेशतर आपने पंजाब गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट ऑफ कल्चरल अफेयर्स है उसमें भी एज एन आर्टिस्ट काम करा, और आपने जो शिक्षा प्राप्त करी वो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर है, वगैरह वगैरह। परफॉर्मेंसेस आपकी देश विदेश में जैसे मैंने बता होती रही, जिसमें विशेषकर दिल्ली है, बनारस है, पठानकोट है, जलंधर है, लुधियाना है, अमृतसर है, पटियाला है, चंडीगढ़ वगैरह तमाम। अलावा इसके USA, कैनेडा, सिंगापुर, हांगकांग,
मलेशिया, इंडोनेशिया वगैरह कई ऐसे मुल्क हैं जहां पर आपने करा। तो आइए सीधा अब हमारे प्रोफेसर साहब हरभजन सिंह धारीवाल साहब इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे क्यों ना हम सीधी सीधी बातचीत करें। प्रोफेसर साहब, मैं ये पूछना चाहूंगा अपने बोलते आने के तमाम जितने भी श्रोतागण हैं उनके लिए कि ये जो एक पखावच जो है, इतना इतना मीठा साहस है और इसकी शिक्षा का सीखने के लिए आपका रुझान कैसे बढ़ा, आपका परिवार कैसा था, पारिवारिक परिवेश कैसा था और कैसे रुझान बढ़ा आपका, और पूरी इस कहानी पे छोटा सा प्रकाश डालिए प्लीज। सबसे पहले मैं बोलते आईने चैनल का तहे दिल से मशकूर हूँ और सभी संगीत प्रेमियों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार, आदाब, सलाम और सत श्री अकाल। और मैं अपने पूज्य गुरुजी संगीत आचार्य उस्ताद लक्ष्मण सिंह जी सिंह पंजाब घराना का भी आभारी हूँ, जिनकी कृपा से मैं आज आप सबके दर्शन कर रहा हूँ। जी जी, तो जो सिलसिला है संगीत का, कहाँ से शुरू होता है, सभी का बचपन से ही शुरू हो जाता है। तो बचपन से मेरे फादर साहब ज्ञानी महल सिंह जी वो गुरुद्वारों में धार्मिक धारणों पे कीर्तन वगैरह करते थे। तो मेरा जो बड़ा भाई था सरदार करम सिंह जी, वो उखली धामा बजाता था। तब वो तबले के जो आटे वाले तबले होते थे तो वो वहां पर बजाता था। तो वो उन्हीं से के कारण मुझे तबले का शौक पड़ा। अच्छा, तो मैं चोरी चोरी कई बार वो चले जाते थे, वो उनके पीछे मैं तबले को भी उनका शेर देता है, डर डर के शेरता था कि कहीं कुछ करने, लेकिन मेरे कभी किसी से नहीं मुझे रुका। और मेरी जो माँ है उसने मुझे बताया कि आप बचपन में आप दो डिब्बे भी बजाते होते थे, इतना शौक था। अच्छा, वो डिब्बे वो घी वाले डिब्बे रख के वो डालडा के ऐसे ऐसे होते थे, वो बजाता था। बहुत अच्छा। हाँ, तो वहीं से वो घर से ही ये वहां पर रहना मिले। उसके बाद मैंने मेरी माँ ने बाबा रूप शाह जी से सिलसिले वार तालीम लेने के मुझे भेजा। तो बाबा रूप शाह जी वो संगीताचार्य उस्ताद लक्ष्मण सिंह सिंह जी के शागिर्द थे जी। सबसे बड़ी बात है कि मैं अपने घराने में ही रहा, उसी सिस्टम में रहा, मुझे बदलने की जरूरत भी नहीं पड़ी, है ना। तो वहां से मैंने बाबा रूप शाह से तबले की तालीम सिस्टमेटिकली, तब वो गद्दीनिशीन थे, उन्हें उनके पिताजी बाबा मस्तान शाह जी, तो उनके वो अकाल चलाना करने के बाद वो उसको गद्दी की जिम्मेवारी बाबा रूप शाह जी को मिल गई। तो मुझे उन्होंने बोला भी बेटा अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो आप ऐसे करो मैं अपने गुरुजी के पास भेजता हूँ, वो जलंधर में है। तो मैंने घर आके अपने पिताजी को बताया कैसे, फिर मेरे पिताजी और गुरुजी को गुरुजी के पास लेके गए मुझे जलंधर, ऐसे ऐसे बताया। तो वहां से मेरी ऐसे फिर तालीम शुरू हुई, तबले की तालीम शुरू हुई, तबला सिस्टमेटिकली शुरू हुआ। और ऐसे करते करते काफी अरसा मैंने गुरुजी से 20-22 साल तबले की तालीम ली। और उसी दौरान गुरुजी ने मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से एमए भी कराया। तो एमए के बाद मैं एक किस्सा बताता हूँ थोड़ा सा। जी, तो, जी। मैंने अपनी मर्जी से यूनिवर्सिटी में मैंने टॉप भी गुरुजी की कृपा से किया था। क्या बात है। वहां पर मैंने हाँ वो जो मेरा फाइनल का था वह मैंने फरदस्त काल बजाया था 14 मात्रा। अच्छा, और जो एमए फर्स्ट का था उसमें मैंने एक ताल जक्का बजाया। तो वहां पर उसके बाद सभी लोग जितने भी थे और भी स्टूडेंट थे तो उनका रुझान होता था जो सीनियर होते हुए जैसे एमए की वैसे पीएचडी के लिए भर दो, लेकिन मैंने भी भर दिया, लेकिन गुरुजी छुप रहे मैंने भर दिया। लेकिन बाद में मुझे गुरुजी ने बताया कि अगर आप पीएचडी शुरू कर दोगे तो आपका प्रैक्टिकल काम वह रुक जाएगा। हाँ, तो कहते को वो कहते जो पीएचडी का काम 5-6 साल का नहीं है,
तो ये तो सारी उम्र का खोज का काम है, बिल्कुल इसलिए मैंने वहां पर ड्रॉप कर दिया, है ना। जी उसलिए फिर उसके बाद फिर ऐसा कुछ सिलसिला बना गुरु जी से, तो गुरु जी हमारे प्रेरणा देते कि पंजाब घराना जो है पखाव जी का घराना है, अच्छा बाबा मलंग खां पखाव जी, मियाँ फकीर बख्श पखाव जी, बाबा हसैन बख्श पखाव जी, और जितने भी पंजाब घराने के होते उनके नाम के पीछे पखाव जी लगता था। उसी सिलसिले के तहत मेरा, मैं भी आपके नाम के, शायद मुझे गुरु जी ने बताया कि आप हरभजन सिंह पखाव जी करके वो मुखातिब होना पड़ता है। क्या बात है तो क्या ऐसे एक काफी अरसा तबले की तालीम ली, सोलो भी किए, हैं। फिर मुझे गुरु जी ने ये बताया कि पंजाब घराना तो है ही पखाव जी को घराना, पखाव जी अलोप हो रहा है पंजाब घराने के, खास करके लाहौर बाज की परंपरा का। तो उस हमारे जो लास्ट पखाव जी बाबा मलंग खान साहब अपने, और बाबा अनैत खान साहब, उसके बाद उस्ताद तालिब हुसैन खान साहब, वो 1947 में पार्टीशन के बाद वो दूसरे लंदे पंजाब में चले गए। तो इधर काफी देर मैंने सुनता रहा, काफी देर पढ़ा भी पखाव जी। गुरु जी कहने लगे भी पखाव जी नहीं है, पखाव जी का घराना। तो मेरे मन में ऐसे वो दृढ़ हो गया। फिर मैंने गुरु जी से बोला कि मैं अमृतसर से मैंने पखाव जी बनाया, मैं गुरु जी को बताया। फिर ऐसे मेरे गुरु जी ने पखाव शुरू किया। और उसके एक मैं और किस्सा बताना चाहता हूँ। प्लीज तो गुरु जी हमारे गुरु जी संगीत आचार्य उस्ताद लक्ष्मण सिंह जी ने उसकी दूर अंदेशी कि तबले जो पंजाब का जो लाहौर बाज का सिलसिला है वो कहीं अलोप ना हो जाए, ऐसे उसके गुरु जी की दूर अंदेशी थी। उन्होंने मेरा चयन चयन किया और उसके मुझे सिखाया भी काफी अरसा, उसकी बरीकी पखावज की। और उसके बाद ये हुक्म भी किया कि इसका प्रचार करना है, इसको आगे बढ़ाना है। तो उसी सिलसिले के तहत गुरु जी के हुक्म के मुताबिक मैं इसको आगे कोशिश कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, सीख रहा हूँ। अभी सीखते सीखते बस आप सभी संगीत प्रेमियों का भी दुआओं से लग रहता हूँ कि बाकी मुझे गुरु जी के गुरु घर में हमारे गुरु भाई भी हैं, और गुरु जी के प्रजंड हैं उनके, अच्छा वो टॉप ग्रेड है। प्रोफेसर साहब मैं आपसे जी यहाँ पर बीच में रोकते हुए मैं ये चाहूंगा कि हमारे जितने भी देखने वाले सामईन इस वक्त जुड़े हुए हैं वो देख रहे हैं कि पीछे शायद पखावज रखी है आपके, तो ये जो साथ में रखी है, तो मैं आपसे क्या गुजारिश पखावज, कर सकता हूँ इस वक्त कि इसकी उत्पत्ति के बारे में थोड़ा बताइएगा, इसके पखावज के कौन कौन से हिस्से हैं या हरफ हैं, हाँ तो या उसकी बैठ के इन पे थोड़ा प्रकाश डालिए तो और मजा आ जाएगा हमें। देखिए आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि जी पखावज तो हमारी जिंद जान है, जी हमारे हमारी हमारी पंजाब की, और पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का एक ये एक परंपरावादिक एक सिलसिलेवार एक ये साज है, अपना साज। तो जी क्या जी प्लीज पखावज के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बताऊंगा। बहुत अच्छा लगेगा। पखावज की उत्पत्ति जो है वो पुष्कर साज से हुई है। तो पुष्कर की उत्पत्ति जो है धुंधली भू धुंधली साज था, उसके आधार पर पुष्कर साज हुआ। तो पुष्कर क्या है, पुष्कर के बारे में नाट्य शास्त्र है, उसके 33वें अध्याय में भरत मुनि जी उसमें एक किस्सा बयान करते हैं कि कैसे इसकी इफ्तरा हुई, इसकी इजाद कैसे हुई इसकी पखावज की। और एक मैं थोड़ा सा किस्सा आपसे अपने मुखातिब कर रहा हूँ, जी अपने श्रोत आपके लिए। तो ऐसे है, वो एक स्वाति मुनि का एक बहुत बड़ा एक नाम है, मुनि हुए हैं स्वाति मुनि सिंह के। तो एक दिन की बात है, वो सरोवर पे स्नान करने गए, तो वो देखते हैं आगे जाके, थोड़ा सा आगे जाके वहां पर बारिश आ जाती है। जी बारिश जाती है, जब सरोवर के पास पहुंचते तो बारिश की जो बूंदे हैं कभी तेज होती है कभी धीमी होती है। उसके ऊपर वो जो सरोवर के बीच में कमल के पत्तियां हैं, उसके फूल है उसके ऊपर पड़ती है, तो अलग अलग तरह की आवाजें आती है। जैसे वो पत्ता बड़ा है तो उसकी आवाज अलग आएगी, पत्ता अच्छा छोटा है उसकी आवाज अलग क्या आएगी। बात तो है जैसे अगर वो ज्यादा तेज से बरसे होती है तो उसकी आवाज अलग आएगी, क्या जैसे बात किसी है का सुन। हाँ, क्या तो बात बहुत अच्छा उसने उसने उसी आवाज को अपने स्वाति मुनि जी ने अपने जहन में
जमा कर दिया। तो जी आके उसके बाद वो आश्रम में आए, हाँ आश्रम में हाँ आके और विश्वकर्मा जी को उन्होंने सारा किस्सा बताया कि मैं ऐसा एक साज ईजाद करना चाहता हूँ जिसकी आवाज धमनी ऐसी हो पखावज की, क्योंकि पखावज की जो साउंड है वो हर टचिंग है, दिल को छूती है, अच्छा उसकी साउंड जो है दिलो दिल को भी छूती है, दिमाग को दोनों को छूती है। जी तो इसलिए फिर वहां पर एक पुष्कर साज का इजाद किया विश्वकर्मा जी ने, ऐसे इसका किस्सा है। तो जो पुष्कर साज का जो आधार है वो धुंध भी है, वो भी विश्वकर्मा जी ने बनाया था, ऐसे है इसकी उत्पत्ति। और इसके उसके बाद ये पखावज है, देखो अलग अलग बहुत सारे घराने हुए हैं, ऐसे जैसे कदौ सिंह घराना है, नाना पांसे घराना है, अवधी घराना है, अपने ग्वालियर घराना है, और नाहद्वारा घराना है ना। तो ऐसे ऐसे अलग अलग हर घराने का अपना एक सिस्टम है, अपना एक मिजाज है, उसमें अपना अपना ढंग है। तो हमारे जो लाहौर बाज की परंपरा है उसमें जो हमारा पखावज है वो उसके हिस्से के बारे में थोड़ा सा फर्क है। इसमें देखो मैं आपको पखावज थोड़ा सा बहुत लेकर अच्छा आ रहा लगेगा। हूँ हाँ आगे, प्लीज बताइए। इसको हाँ ये पखावज है। देखो जी इसमें इसमें जो ये इस वाला हम इसमें इस जो इसको जो गुलियां होती है, सबसे पहले जो साई होती है इसके, इसको दो मुख होते हैं, ये पखावज एक एक नगा साज है और दो मुख साज है, इसको दो मुख होते हैं, एक इधर होता है एक इधर होता है, और इधर में दूसरे साइड में आटा लगा, इसको धामा कहते हैं और इसको थाप का साइड कहते हैं ओके हमारे घराने में, हमारे घराने के सिलसिले में। उसके बाद इसमें जो ये थाप वाला पासा है इसको हम मसाला कहते हैं अपनी बोली में, अच्छा इसको मसाला कहते हैं, दूसरे घर मसाला में ठीक अलग कहते हैं है जी। हाँ इसको हाँ मसाला, और ये बीच का हिस्सा इसको दरम्याना कहते हैं, अच्छा जी अच्छा मसाला अच्छा दरम्याना इसको मसाला बोलते और हैं, जैसे दरमियाना उर्दू उर्दू के सारे ठीक। उर्दू के अल्फाज है आपके लिए, हाँ जो हाँ सच स्कॉलर है उनके लिए ये बड़ा अच्छा है, सच का एक विषय है ना। हाँ तो हाँ ये मसाला हो गया, उसके बाद ये इसको दरम्याना कहते हैं, और दरमियाना ये कोना है बाहर का हिस्सा, कोना इसको कोना कहते हैं, ये उर्दू के अच्छा उर्दू के सारे है अल्फाज जी होते हैं जी ये जी इसके, जी तो ऐसे। उसके बाद ये उसके बाद एक ये गोला से छल्ला होता है, हाँ इसको हाँ गोंद कहते हैं, ये गोंदा होता है, जैसे हमने जो लेडीज है अपनी बालों की जो चोटी बनाती है उसको गूंदती हाँ है, जैसे मालन मालन एक फाल फूलों की माला गूंदती, ऐसे ये गजरा भी बोलते हैं दूसरे घराने में, लेकिन हमारे घराने में इसको एक गोंद कहते हैं अच्छा। इसके। हाँ तो उसके बाद ये जो रस्सी है इसको पैंद कहते हैं, अच्छा पैंद पैंद का मतलब है, पैंद का मतलब किसी चीज को कसना, किसी चीज को कस के रखना, पकड़ के रखना, बस जबरदस्त पकड़ेंगे तो ठीक है है? जी ये पैंद इधर से अपने गोंद से होती है, उसके बाद इधर दूसरे हिस्से पे ये जाती है, इस इधर भी गजरा है ना। तो ये उसके जी बाद ये लकड़ी की गुल्लियां होती है, आठ गुल्लियां होती है अच्छा। इसके, ये आठ गुल्लियां होती है अलग अलग, इसको इसके 16 घर होते हैं, उसमें दो दो घर में एक गुल्ली होती है, इसको गुल्लियां कहते हैं है ना। जी तो उसके बाद ये इसके सात हिस्से हो गए अच्छा ऐसे, ठीक देखो हाँ स्याही दरम्याना हाँ और कोना, कोने के हाँ बाद गोंद आ गई है, हाँ उसके बाद पैन गुलियां, और उसके बाद ये इसको धामा हो गए ये है ना। देखो सात हो गए, एक दो तीन चार जी पांच छह, ये छह हो हाँ गया, और सातवां जी इसको धामा कहते हैं, इसके ऊपर आटा लगता है ठीक है जी गूंदा हुआ आटा, इसको अच्छा अच्छा ये अच्छा अच्छा गेहूं का आटा इसके ऊपर लगता है, अच्छा उसके साथ इसकी गंभीर, इसकी साउंड गंभीर हो जाती है। अच्छा तो इसके जो हर्फ है उसके बाद इसके हर्फ है, तो हाँ उसका भी ये अलग थोड़ा सा सिस्टम है हमारे हर्फ में। इसमें जो ये इसके चार हर्फ हम पांच हर्फ इस इधर है और दो हर्फ इधर है, हर्फ का अच्छा मतलब है बोल, और जो हाँ उर्दू की भाषा है हाँ उसमें, हाँ क्योंकि हमारे सिलसिले में ऐसा ही जो परंपरावादगत ठीक जो रिवाज है उसकी जो प्रोनाउंसिएशन का बोली का है ना ऐसे। तो इसमें जो मसाले के ऊपर बोल होते हैं, दो बोल मसाले के होते हैं, एक और इसको इसके ऊपर होते हैं, फिर किनार जी के ऊपर होता है इसके, अलग जी अलग बोल होते हैं फिर है ना। जी तो ऐसे ऐसे साथ दो बोल इधर होते हैं, जैसे ये इसके ऊपर ते तत है ना, ये न अड़
उसके बाद ये देखो, ये एक ही साहिब के हम उसको एक ही बोल मानते हैं। जी। और उसके बाद ये देखो, उसके बाद ये दरमियाने में थाप का बोला था अलग से, सुनो देखो ये हाँ, थाप लगे, ये क्या बात हाथ है, से बजते, क्या ये अगले बात उंगलों से बजता है, है। अच्छा अच्छा ये अरे जो पखावे जो होते हैं वो थाप से बजता, पूरे पंजे से बजता है, उसकी वाह, सोंड जड़ी है ये अच्छी इंफॉर्मेशन दी, वो बहुत अच्छी हाँ। इंफॉर्मेशन, वाह। उसके बाद एक बोल होता है, जैसे जैसे नट तत्ता, ये न, ये न होता, जैसे हम बोल बजाते नट नट तत्ता नट तत्ता क्या बात, हाँ। उसके बाद इधर बोल होते हैं उसके ऊपर, इसके ऊपर गूंदा हुआ आटा लगा है, मैंने आटा नहीं अच्छा लगाया क्योंकि बजाने से आटा गूंदना पड़ता है, अरे गूंदना वाह वाह अगर वाह वाह हाँ। वाह, थैंक यू। इसके अच्छा ऊपर एक गे हर्फ निकलता है और उसके बाद कट होता है हाँ। उसके बाद हाँ ऐसा है, उसके बाद ये यहाँ पर मैं इसको फिर सजा दूं, ये हमारी जान है, हमारे हिंदुस्तान की बिल्कुल शान है, बिल्कुल। पंजाब की शान है अच्छा ये प्रोफेसर साहब, हाँ। प्रोफेसर साहब, मैं आपसे एक विनती जी करना चाहूंगा यहाँ पर अपने तमाम जितने ऑडियंस हैं उनकी तरफ से। तो जी देखिए कि इसमें जो शो है हमारा चल रहा है, इसमें बातचीत भी होगी गुफ्तगू के साथ। हम ना कभी कभी परफॉर्मेंस, एक जी मैंने परफॉर्मेंस देखी थी आपकी जो कि चरताल पे पखावज है, तो पखावज के चरताल को हम एक छोटी सी वीडियो अपने दर्शकों को यहाँ पर जरूर दिखाएं ताकि उनका और इंटरेस्ट बढ़ जाए। वो आपने बहुत खूबसूरत बजाया है, तो इजाजत दें तो मैं, बड़ी छोटी सी एक क्लिप है, मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। ठीक है जी। बहुत ही खूबसूरत आपका जो कि चरताल की आपने इस पे बजाई और बड़ा खूबसूरत लगा। अब हमारा इंटरेस्ट और बढ़ता जा रहा है। प्रोफेसर साहब ये बताइए कि आपके गुरु जी भी क्या पखावज बजाते हैं भी, और गुरु भाइयों ने क्या आपको प्रोत्साहित किया और इसका उद्देश्य क्या है, थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालिए। हाँ, ये हमारे गुरुजी पखावज नहीं बजाते थे, लेकिन पखावज का सिस्टम उनको पता था सारे, तो अच्छा पंजाब घराने के जितने भी हैं वो जैसे मैं कहता था वो पिछले जमाने में आटे वाला खुली धामा बजाते थे है अच्छा ना, आटे वाला जैसे पेर होता है आटे वाला दुखन, तो वो लेकिन जो जितना भी देखो हमारे एक गुरु भाई हैं पंडित ओम प्रकाश थापर जी, मुझे एक अच्छा उनका किस्सा याद आया हाँ। वो 4-5 साल की पहले की बात है, तो मेरी उनसे फोन पे भी ये बात हुई थी, वो कहते मैंने उनको पता लगा बात हुई थी पखावज हरभजन सिंह बजा रहा है आज, तो फोन पे बात हुई तो उन्होंने मुझे बोला कहते आपने तो इतिहास रच दिया, मैं हैरान हो गया मैं कैसे इतिहास क्या है, अरे मैंने सोचा भी वो मुझे सिखा रहे गुरु जी ते इसका भी ये है ये उन्होंने समझ, लेकिन नहीं उन्होंने ये उन्होंने कहा भी क्या नहीं, उन्होंने हमारे गुरु भाई हैं बड़े पंडित ओम प्रकाश थापर जी, उन्होंने उन्होंने ये बात बड़ी सुनने वाले, उन्होंने मुझे बोला कहते कोई जमाना था कि मियाँ फकीर बख्श ने पखावज के बोलों को सिस्टम
चेंज करके उसको थाप की बजाय उंगली से बजाने से उसका चेंज पखावज के ऊपर तबले के ऊपर उनको कन्वर्ट कर दिया था। लेकिन आपने जो तबला गुरु जी सिखा जो सिखा रहे वो तबले का सारा सिस्टम आप पखावज के ऊपर कन्वर्ट कर रहे हैं। वाह वाह बहुत अच्छी बात है। पहले पहले वो पखावज से तबले पर आया, वो तबले का सारा तबले से ट्रांसफर कर दिया पखावज पे। जी हाँ, फिर जो जो गुरुजी ने सिखाया उसको सारा, फिर उसकी टेक्निक उसी बोल को पखाता, लेकिन कैसे बजाना है उसको, बहुत अच्छा उसकी कैसे बजाना है ना, थोड़ा सा भेद होता है थोड़ा सा, कोई भी काम हो है ना। जी जी जी, जी। उसके बाद आपको मैं पहले बता रहा हूँ कि सभी गुरु भाइयों में मैं गुरुजी का तहे दिल से और कई जन्मों तक उनका आभारी हूँ गुरुजी का। तो उस सभी शिगिर्दों में गुरुजी ने मेरा चयन किया, मुझे सिलेक्ट किया इस पखावत सीखने के लिए। उनकी दूर अंदेशी थे गुरु जी की, और उनने मेरे ऊपर मेहरबानी करी, मेरे ऊपर तर्स किया, उन्होंने मुझे योग समझा। ये मेरे गुरु जी मेरे ऊपर एक कृपा थी। बहुत अच्छी बात। तो मैंने भी गुरु जी के बड़ी ईमानदारी से, और गुरु जी ने ईमानदारी बिना एवज और बड़ा लंबा क्रम मुझको तबला भी पखावत भी सिखाया। लेकिन मेरी खुशी में से मिलती है कि हमारे जितने भी गुरु भाई हैं वो उनसे वो सभी तबला बजाते हैं, लेकिन मुझे वो गुरुजी ने तबले के साथ पखावज भी मेरी झोली में डाला। बहुत अच्छा। सारा जो पंजाब का जो रिच रिच जो ट्रेडिशन है वो मैं खुश किस्मत हूँ। हाँ, दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, अब मेरे गुरु भाइयों में आप बात करें उत्साह प्रसाद किया, तो हमारे जहाँ गुरु जी के जो फरजंद है अपने टॉप ग्रेड आर्टिस्ट हैं पंडित मनु सिंह जी। अच्छा, स्टेट वाड़ी में पंजाब गवर्नमेंट के, वो इतना मुझे प्रसाद करते, मतलब इतना करते रहते हैं, मेरा मनोबल और बढ़ जाता है तो मुझे उनका और जितने भी उसमें हमारे गुरु भाई हैं पंडित सुशील जैन जी, अभी उनका नाम भी संगीत नाटक अकादमी में वो अवार्ड के लिए उनका नॉमिनेट हुआ है। अच्छा। तो ऐसे हमारे गुरु भाई हमें वो साथ करते रहते हैं। वेरी नाइस। जी अच्छा, उसमें प्रोफेसर जो जो संस्थाएं हैं उसमें सॉरी उसमें कुछ संस्थाएं भी हैं, जैसे बाबा सुचा सिंह संगीत अकेडमी है, वो प्रिंसिपल सुखवंत सिंह जी वो मुझे साथ करते रहते हैं, मुझे हौसला मेरा बुलंद रहता है। वेरी नाइस। और उसके बाद जो लुधियाना में है जवदी टकसाल है, उनके मुखी हैं जो संत बाबा अमीर सिंह जी, वो भी मुझे समय समय से साथ उनसे भी मुझे बढ़ोतरी मिलती है। और भी कई संस्थाएं हैं जो मुझे बहुत सारे, और पखाव जी भी बहुत सारे हैं, जैसे पखाव जी हैं डॉक्टर खुशी राम जी, वो भी मुझे पंडित दालचंद शर्मा जी है जी। वो भी अवधि अपने अवधि घराना के हैं जो पंडित डॉक्टर खुशी राम जी, और नाद्वारा घराना के पंडित दालचंद शर्मा जी, वो भी मुझे समय समय पर बड़ा बढ़ावा देते हैं और मुझे कहते हैं कि प्रोफेसर धारीवाल जी आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और पंजाब घराने के आप सिलसिले को पखावज के सिलसिले को आप प्रचार कर रहे हैं, उसको संभालने की यत्न कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। देखिए कि आपने इस गुफ्तगू जो इंटरव्यू चल रहा है प्रोफेसर साहब, कितने लोगों के नाम ले दिए, और ये एक बहुत बड़ी एक दरियादिली की बात होती है कि इतनी अच्छी तरीके से सारे नामों को याद करके सेलिब्रेट करना, उनका जश्न मनाना। ये इंटरव्यू जब देखा जा रहा है पूरी दुनिया के लोगों में, विशेषकर आपके ऊपर जो कि प्रोफेसर हरभजन सिंह धारीवाल साहब जुड़े हुए हैं इस वक्त हमारे साथ, प्लीज बताइए। एक मुझे नाम भूल गया, और प्लीज बताइए, हमारे पंडित रमाकांत जी भी, वो भी बड़े खुश होते हैं, मुझे अक्सर कहते हैं जो मेरे गुरुजी कहते थे वो पंडित रमाकांत जी को मैं जानता हूँ जी, बहुत मेरी करीबन 35-37 साल से उनकी जान पहचान है। जी जी वाह वाह वाह, उनको वो जब भी मुझे मिलते तो वो कहते हैं बस हरभजन सिंह धारीवाल आप पखावज संभाल रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा। उसको ऐसे इन सब लोगों की जो आशीर्वाद मिलता है तो मेरे मन को और हौसला मिलता है। बहुत खुशी की बात है। बहुत बहुत इनके नाम ले गए। हाँ हाँ, मिलता रहता है पूरी दुनिया में जितने पखावज जी हैं जितने भी संगीतकार हैं, तो मुझे कहते रहते आप संभाल के रख रहे, बस मैं मेरा यही होता है, मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ।
जी। अच्छा प्रोफेसर साहब, यहाँ पर मैं एक ऐसे ही सोच रहा हूं कि आपने अभी ओखली धामा के विषय में काफी विस्तार से बताया, और ये ताल जो है पंजाबी धमार, जो कि बड़ी ओल्ड फॉर्मेट है तबले के ऊपर, और पंजाब के तबले की ये करीबन, मैं जहां तक सोचता हूँ, 18वीं सदी से शायद इसको हाँ, चलाया ये उन्नीस गया और सदी प्रिजर्व किया जी, 18वीं सदी गया के उपरांत और उपरांत। 19वीं सदी। हाँ तो क्यों ना एक आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग, हमने सोशल मीडिया पे वीडियो देखी है, और वो इतनी खूबसूरत है कि आपने ये लाहौर बाज का जो उखली धामा उस पे पेश किया है, वो बहुत दिल प्रफुल्लित हो गया उसको देखने के बाद। हम अपने दर्शकों को, आपकी इजाजत हो तो कम से कम वो एक छोटा सा पीस, एक थोड़ा सा सेलिब्रेट करने के लिए आपकी लाइफ को भी हम दिखाना चाहेंगे, प्लीज। तो हम उखली जरूर धामा पेश जरूर कर रहे हैं तमाम दर्शकों को। जी। वाह उस्ताद साहब, बहुत 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 शुक्रिया प्रोफेसर साहब, बहुत अच्छा थोड़ा सा लगता मैं है ये उखली धामे के इंटरव्यू। प्लीज बारे में चंद अल्फाज कहना चाहता हूँ। उखली धामे में धामे प्लीज के बारे में, हाँ, सबसे पहले बहुत सारे लोगों को ये एक नया नाम होगा, क्योंकि जी जितने भी पंजाब के पखावजी थे वो उखली धामा और पखावज बराबर बजाते थे, जबरदस्त बजाते थे। और उखली अच्छा धामा होता क्या है हाँ ये हाँ हम समझे बात है ना। उखली धामा क्या है? उखली धामा की इजाद दुक्कड़बाज थे पंजाब में, दुक्कड़बाज। हाँ, दुक्कड़ होता दो पेयर थे, लकड़ी के होते थे ऐसे इतने बड़े अच्छा बड़े। वो लोक संगीत के साथ, वारों के साथ, टाडियों के साथ वो दुक्कड़ होते, लेकिन उसके ऊपर आटा नहीं लगा था, ना साई लगी होती थी। जैसे वो ताशा होता है ना, ऐसे ऐसे बजाते वो, है ना, दो, है ना। तो वो उसके साथ, जी। और ट्रेन आई थी, इसको काट देना, ट्रेन आई नहीं, थी, कोई बात कोई बात, एक मिनट, अब साथ पास में वो है ना, हमारे अच्छी रोहित अच्छी बात शर्मा है। नहीं, ये भी और मजा आ जाएगा जी। इंटरव्यू में, आप बताइए बताइए। ठीक ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ, ये पंजाब में दुक्कड़बाज बड़े थे, उसको बजाने वाले को दुक्कड़बाज कहते थे। दुक्कड़ मतलब दो पेयर होता, पखावज एक नगा साज है, लेकिन जो उखली धामा है और ये दो नगा साज है, जिसके दो नग होते हैं और इसके मुख भी अलग अलग, एक एक मुख होता है, एक दो पैर होते हैं। तो ये उखली धामा की इजाद ये है, ये भी एक एक हम कह सकते हैं
कि एक जैसे रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी एक समय था, ये लाला भवानी दास हुए 19वीं सदी में, लाला भवानी दास जी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नया प्रैक्टिकल किया। वो जो पंजाब में होते थे, जब पंजाब आए लाला भवानी दास, उन्होंने यो देखा भी ये बाजारे हैं, इसके ऊपर एक के ऊपर उन्होंने साई लगा दी और दूसरे के ऊपर खावज के ऊपर धामा लगा दिया, आटा लगा दिया, आटा लगा दिया, तो उसको पखावज की शैली से ही बजाना शुरू कर दिया उसको, ठीक है, पखावज की शैली से। लेकिन उकली धामा दो तरीके से, वैसे एक उंगलों से बजाया जाता है, जो उसके बाद तबले का रूप धारण कर गया, उंगलों से बजाता है, लेकिन वो जो उकली धामा एक वो तो मैं आपको उकली धामे में थोड़ा सा दर्शन करा के थोड़ा सा बताऊंगा, ठीक है। तो एक पेड़ उसको फिर उसकी जो पखावज शैली के अनुसार उसको रख के बजाते थे, उसके जो वादन शैली जो उसको उसकी बैठक है वो भी अलग ढंग की है। वो जो कुछ लोग इसको सीधे रख के बजाते हैं, है ना, तो ज्यादातर इसको मैं एक और मेरे किस्सा मुझे ज्यादा है, मैं उखली धमा मंगा रहा हूँ जब तक वो लेकर आ रहा हूँ। जी प्रोफेसर, हाँ जी सर, मैं आपका अभी उखली धामा स्रोतों ने सुना, उसके बारे में भी मैं बता रहा था। उखली धामा देखो, ये उखली धामा है, ये 19वीं सेंचुरी का है, ये दो पेयर होते हैं, पंजाब में बजता रहा, ये भी ऐसा ही है। ये देखो, ये लकड़ के बड़े बड़े होते हैं, इसकी आवाज होती है, जो साउंड होती है उसकी, वो भी ये भी थाप से बजता है, ये देखो। ये थाप से बजता है, ये इसको बजाने का स्टाइल होता है, ये इसको उखली, ये इसको धामा कहते हैं, उखली होती है पंजाब में, जो कुछ ऐसे ऐसे थे एक लकड़ के या पत्थर के ऐसे होते थे, भांडे भी कह सकते हैं उसको, ये उसके ऊपर इसमें चने कूटते थे, जौ कूटते थे और मोले से ऐसे, वो उसके ऊपर ये नवा प्रैक्टिकल करके ऐसा उसके ऊपर पखावज की तरह ये वर्के चला दी। हमारे घर में इसको वर्का कहते हैं, पुड़े नहीं कहते हैं। ये अच्छा वर्के लगा दिए, वर्का लगा दिया, मसाला लगा दिया, जी तो जी उसकी जो इसके ऊपर भी लगा दिया, वो आटा लगा दिया, देखो है ना, आटा हाँ लगा के इसको बजाने के, है ना, ऐसे। हाँ तो इसको इसको उखली धामा, जैसे मेरे गुरु जी संगीताचार्य उस्ताद लक्ष्मी हाँ सिंह जी वाह ने बताया है, तो बहुत सारे इसको जो कलाकार है इसको जोड़ी भी कह रहे हैं, जो गुरमत संगीत है, गुरबाणी कीर्तन है, उसकी परंपरा में इसको जोड़ी कहने का भी रिवाज है। अच्छा लेकिन मैं आपको जैसे मुझे गुरु जी ने बताया कि जोड़ी जो एक ऑथेंटिक जोड़ी तो कोई भी हो सकती है, जैसे कुछ भी है, जैसे मेरे सामने दो कुर्सियां पड़ी है, सोफा पड़ा है, दो दो पेयर, मतलब लड़की कोई है, भी दो पेयर कोई हो सके लड़की किसी भी वस्तु का। है ना, हाँ, तो वैसे वो जोड़ी लेकिन प्रचलित हो गया, उसे गुरमत संगीत में, गुरबाणी कीर्तन में इसको जोड़ी भी कहते हैं। लेकिन यह मैं आपको एक किस्सा बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारे गुरु जी ने बताया कि मियाँ कादर बख्शी जब इसको जोड़ी कहने से खफा हो जाते थे, कहते नहीं, इसको उखली धामा ही कहना चाहिए। अच्छा, हाँ अरे वाह, हाँ ये देखो, और इसका जो ये देखो, अभी अभी मेरे स्रोतों ने और आपने उखली धामे का पंजाबी धमार सुना, उसके साथ मेरा बेटा वो फेरा दे रहा है। हम इसको नगमा नहीं कहते, ना ही लहरा कहते, उसको फेरा कहते हैं, हमारे घराने की ओ अलग वेरी उसकी जो इंटरेस्टिंग, वोकैबुलरी है, उसकी बोलियां, उस फेरा है ना, क्योंकि जो जो नगमा है एक धुन होती है, तो धुन में स्थाई होता है, हाँ दहरा होता है, वो तो एक जनरल बात हो ठीक गई। है। लेकिन लेकिन वो जो जो फेरा होता है, जो ट्यून होती है सोलो वादन के, पखावज का या उखली धामे का या तबले का, वो एक अपने वो चक्कर पूरा कर देता है, इसको फेरा कहते हैं ओके, हमारे वेरी घर में, फेरे को, है ना। तो इंटरेस्टिंग, ऐसे ये है, तो अभी उखली धामा भी मैं बजाता हूँ, इसका भी प्रचार करता, बहुत सारे लोग कहते हैं जो, तो लोगों को नाम भूल ही गया था, तो आपने नहीं नहीं जानकारी दी, बहुत और इंटरेस्टिंग, एक ये बातें हाँ हमको पता नहीं है। एक हाँ और हाँ एक और मैं आपको प्लीज बताना चाहता हूँ, है ना, प्लीज प्रोफेसर, बताना चाहता हूँ कि ये अभी हम फिर दोबारा पखावज पे आते हैं, क्यों हमारे पखावज के, अच्छा मुझे फिर बीच में भूल गया, ये जो इसका जो वादन शैली है ना उखली धामा की, वो पखावज की सेम है, सेम ही पखावज, सिर्फ इसका जो दो पैर है, साउंड भी उसकी ऐसी है, उसके धामा लगता है, उसकी जो थाप से बजता है इसको, और इसके इसको रखने का जो स्टाइल है, अभी वो आपने देखा था, देखा होगा जो पंजाबी दरबार में, तो उसको उसकी बैठक कैसे रखी है, उखली को कैसे रखा है, धामे को कहाँ रखा है, ऐसे में प्राणी लोग ऐसे बजाते थे।
तो इसलिए अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो पखावज है इसका जो इसमें हमारे घराने में कौन कौन से बोलों का प्रयोग होता है, तो मैं थोड़ा सा ये भी श्रोतों को के थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि हाँ अलग अलग घरानों के अलग अलग सिस्टम होते हैं। सभी हमारे गुरु जी कहते हैं सभी घराने बहुत ही अच्छे हैं, अपने अपने घराने का अपना अपना एक मिजाज होता है जी, ना। हाँ, तो अपना अपना वो अपना स्टाइल है या शैली है। हाँ शैली है, स्टाइल है हाँ इसका। तो एक मिनट होल्ड करो। जी हाँ, तो इसमें हमारे घराने में थोड़ा सा ये मेरा रिसर्च पेपर है। मैंने इसके ऊपर रिसर्च पेपर भी काफी लिखे हैं पखावज के ऊपर, इसके ऊपर है ना, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें हमारे घराने में ये इसको घड़ा बोल बजाते हैं, लेकिन गुरु जी बताते हैं आजकल धा भी बजाते हैं कुछ लोग, लेकिन हमारे घराने में धा बोल, आपने मेरा पखावज सुना तब पोखली धामा सुना, कहीं भी धा नहीं आएगा। धा की जगह घड़ा होता है, जैसे घड़ा जैसे नगाड़ा बजाते हैं तो हाँ, घड़ा करके रखे बाजता, लेकिन घा घड़ा करके। अच्छा, अड़ा ता को हम अड़ा प्रोनाउंस करते हैं, कई बार वो ता होता है। जब हाँ जब घे के बाद ता आएगा उसको अड़ा प्रोनाउंस करेंगे, जब 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 ता पहले आएगा उसको तागे बोलेंगे, जब घे घड़ा ऐसे ऐसे उसको थोड़ा जोरदार, ये बाज है गंभीर बाज है। इसमें आज ये इसका जो मुख हर्फ है, हर्फ मतलब भी इसके बोल है वो उसका ये है, इसमें घड़ा मुख है वो तकट धिकट कृतकता है कता गधे धिट तिट नाट तत्ता, इसमें घड़ान तड़ान और त्रिकृतकता घेड़न अग धृधृ कृतक घड़ा आगे त्रिकृत कथाक ऐसे बोलो। गेदु गन्ना उसको गेदी गन्ना बोलते, गेदु गन्ना लेकिन हम हमारे में गेदु केट बोलते हैं, ऐसे बजाने में थोड़ा ऐसा फर्क है। और इसमें अच्छा, हमारे घराने में जो इसकी जो वादन शैली है उसमें उसके में थोड़ा सा सिलसिला अलग है बाकी घरानों में। देखो इसका जो सोलो वादन का आगाज होता है वो स्तुति परण से होता है, गणेश परण से होता है, जैसे अवधी घराना है जहाँ नाथद्वारा घराना है गणेश परण स्तुति परण जहाँ शिव परण है ना, ऐसे होता है। लेकिन हमारे हमारे घराने में इसका जो सिलसिला थोड़ा सा हटके है, ये सिलसिला अभी का नहीं, ये जो जो हमारे बुजुर्ग गुरु जी बताते हैं जो लाहौर बाज का जो मूल है वो मियाँ तानसेन के साथ हमारे बुजुर्ग पखाव जी लाला भगवान दास वो पखावज बजाते थे मियाँ तानसेन के साथ। हाँ, तो वो मियाँ तानसेन और लाला भगवान दास ये बाबा हरिदास जिनको स्वामी हरिदास भी कहते हैं उनके शिष्य थे। वैजू बाबा भी हमारे गुरु जी के मुताबिक ये सभी पंजाब के थे, आगे आगे जा बिखरता गया, जहां भी गया वो संगीत बिखरता गया। तो हमारे इस घराने में जो सिलसिला है उसका आगाज जो है सलामी गत से होता है। अच्छा हाँ, स्तुति पंथ से, जैसे मैं अगर इजाजत हो तो मैं थोड़ा सा उसका प्रणत प्लीज, होता है उसके बारे में बहुत बोल अच्छा सकता हूँ है लगेगा। ना। हाँ प्लीज हाँ, तो मैं एक बताइए। थोड़ा सा इसका जो सलामी गाता है ना, ये इसका चौताल का है सलामी गाता, प्लीज बताइए। घड़ा करते सलामी गत का मैं हाँ ठीक आपको थोड़ा सा आगाज कैसे करते हैं सोलो का है। का, ये सलामी गत आपकी नजर कर रहा हूँ। घड़ा करता करते घड़ा करता ऐसे, तो वो इसका सलामी गत मैं आपको दोबारा इसको एडिट कर लेना। तो मैं बता रहा हूँ सलामी गत मैं इसका आगाज कैसे करते हैं हमारे घराने में, वो है सलामी गत वह है ग्राह करते तकड़ दिखड़ तकड़ दिखड़ ता कर तक धोंग धोंग तकड़ दिखड़ कर दिखड़ तकड़ दिखड़ तकड़ दिखड़ तकड़ दिखड़ करते तक घड़ा तकड़ दिखड़ करते तक घड़ा तकड़ दिखड़ करते तक घड़ा तकड़ दिखड़ कर दिखड़ तकड़ दिखड़ तकड़ दिखड़ तकड़ दिखड़ करते तक घड़ा तकड़ दिखड़ करते तक घड़ा तकड़ दिखड़ करते तक घड़ा क्या बात। तकड़ दिखड़ करते तक तकड़ दिखड़ तकड़ दिखड़ करते तक घड़ा तकड़ दिखड़ करते तक घड़ा तकड़ दिखड़ करते तक घड़ा, क्या बात, इसमें घड़ा बोला घड़ा वाह, घड़ा दूंग तट तट कता आगे तट तट कता आगे तट कत तट घिगे तट कत कता घिगे तट है ना। देखो घड़ा आ रहा था नहीं आ रहा है ना, घड़ा करते ता घड़ा करते ता करते ता दूंग ता तट कि नत आगे तट कि नत आगे तट ता करते ता दूंग करते ता कता आगे तट कता आगे तट घड़ा दूंग घड़ा
ऐसे ऐसे ये सिलसिला चलता है। बहुत अच्छा है। तो हमारे ग्रांड में देखो कुछ खास इसका, उसके बाद फर्शबंदी शुरू होती है, अच्छा फर्शबंदी लाइक दैट आलाप, फर्शबंदी शुरू होती है। ठीक है, उसके बाद फर्शबंदी जैसे उसका बाद फर्शबंदी का चलन चलता है अलग अलग। फर्शबंदी क्या है, फर्शबंदी इज लाइक दैट इंडेक्स, यू नो, है ना। जी तो वो जो अपने घराने की पहचान होती है, उस मुगो एक कलाकार की तैयारी होती है ना, तो वो उसके ठीक कह रहे सिलसिले हैं। का सिलसिले वाले काफी आगे आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हाँ जब उसने अलग अलग मुकाम लगाते हैं, वो कलाकार के अपने ऊपर हैसियत पर डिपेंड करता है कितने मुकाम बनाने का। जब लास्ट मुकाम लगता है, आखिरी मुकाम, उसके बाद कैदेबाजी शुरू होती है। उसके बाद कैदे बजाते हैं हमारे ग्राम में, कैदे बजा के उसके बाद कोई अपनी वो भी उसके ऊपर कलाकार के ऊपर डिपेंड करता है, आर लाइक कैदा बजाना है या जी कोई कुछ बजाना, गत कैदा बजाना, रेला कैदा बजाना है ना। उसके बाद फिर बंदिशों पे आते हैं, जो पंजाब ग्राम की, जो हमारे लाहौर बाज की खास इन बंदिश है, जैसे कुमाली चक्करदार है, वो फर्श अपने फरमैशी चक्करदार गते हैं, वो जो सभी छंदों पे आधारित होते हैं सर, और जोड़े की गत होती है, और तीन दर्जे की गत होती है ना। और ऐसे एक यत होता है, जैसे ताल के तत्व होते हैं, 10 स्तंभ होते हैं, काल मार्ग क्रिया तैदी, ऐसे ऐसे होते हैं ना। उसमें एक यत है, यत बड़ा अच्छा कमाल है। उस जी तो यत भी हमारे घराने में वो बहुत कम सुनने में मिलता है। जैसे मैं आप थोड़ा सा, अगर इजाजत हो, यत प्लीज का थोड़ा सा मैं नमूना आपको बचा हाँ ढूंढ बताइए पेश टिक कीजिए। जत का नमूना, नमूना मैं आपको, जत का नमूना आपकी नजर कर रहा हूँ। ढूंग टिट टिट कटकत्ता, ये ढूंग कटकत्ता कटकत्ता, ढूंग घेर कटकत्ता ता, ढूंग कटकत्ता गड़ा गड़ा आगड़ा गड़ा गड़ा, ढूंग टिट टिट कटकत्ता, ये ढूंग कटकत्ता कटकत्ता, ढूंग घेर कटकत्ता, ढूंग कटकत्ता गड़ा गड़ा आगड़ा गड़ा गड़ा, ढूंग टिट टिट कटकत्ता, ये ढूंग कटकत्ता कटकत्ता, ढूंग घेर कटकत्ता, ढूंग कटकत्ता गड़ा 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 गड़ा। हाँ क्या ठीक है, बात। ऐसा ये ऐसी गत्ता पंजाब में गत्ते बहुत मशहूर है। अभी तीन हाँ दर्जे की गत भी ज्यादा रही, तीन दर्जे की गत और ज्यादा रही है। ग्रान कतक धू कता कट धे धे कित धान धर धर कित तक न तक न धे धे धू कित तक तक दे कित दे घड़ा तक दे कित दे घड़ा तक दे कित दे घड़ा, ऐसा कुछ सिलसिला कोशिश कर रहे हैं बुझाने के। आप सबके बहुत दुआओं से आपका अच्छा वो मुझे बुलावा मिलता है, मेरे को हौसला मेरा बुलंद होता है। और मैं जितने की पखाव जी हैं, और हमारा नाद म्यूजिक इंस्टीट्यूट में जहाँ पर मैं सीनियर रिसर्च स्कॉलर हूँ, वहाँ पर मेरा काफी अरसे से काम हो रहा है, काफी रिसर्च पेपर भी लिखे गुरबाणी संगीत के ऊपर, पखावज के ऊपर। और मैं उनका भी डॉक्टर मंजीत सिंह जो उसके हैं चेयरमैन है, और प्रभजीत सिंह जो डायरेक्टर है, उसके अलावा मैं सर्वकाल के जो हरजीत सिंह है हाँ उनका भी, और डॉक्टर अनुराग शर्मा जी हैं, हाँ ये कदऊ सिंह घराना के वंशज हैं, रामजी लाल शर्मा जी के बेटे हैं। वो सभी हाँ मुझे बड़ा उत्साह कराते, प्रेरित करते रहते हैं। तो उन सभी को रल मिलके मैं कोशिश करता रहता हूँ, मेरा वेरी गुड। खून भरता है, मुझे उत्साह मिलता है। जैसे आपका भी मैं धन्यवादी हूँ कि आपने, क्योंकि मेरा एक, बहुत सारे लोग इंटरव्यू मुझे पूछते हैं, मैं नहीं, मैं चाहता हूँ कुछ, मेरी इंटरव्यू का मकसद है कोई इन्फॉर्मेटरी, ये नहीं भी क्या सीखा क्या प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम तो सभी सीखते सीखते आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम मुझे भी आई, वो मैं शेयर नहीं करने देता। लेकिन मेरे मेरी जो सोच है कि हमने तो कर लिया, हमारा दूसरे को क्या फायदा। उसको एक जो हमें ज्ञान प्राप्त है, जो गुरुओं की जरिए हमें वो नॉलेज हुआ, वेरी वो नाइस जो संगीत प्रेमी होता के, जो स्कॉलर होता के, जो इसकी खोज करता है, उनको एक एक नई इंफॉर्मेशन मिले, उनको उनको कुछ फायदा हो। हाँ, ऐसा हमारा ये सोचना है कि जो इंटरव्यू का मतलब है, इन्फॉर्मेटरी मेरी बातचीत हो कोई, उसको मैं जो आप सीखा है उसके बारे में मैं अपने श्रोतों को, अपने संगीत प्रेमियों को उनकी भेंट कर सकूं कुछ, तो आपने जो गुरु से गुरु जी से तालीम प्राप्त की है। प्रोफेसर जी साहब, ये जो अभी आपने एक विशेष बात कह दी उसको मैं रिपीट करना चाहूंगा। तमाम बोलते आए ने यूट्यूब चैनल के जितने भी हमारे श्रोता हैं, हम ये जानते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों के, चाहे वो म्यूजिक, डांस, थिएटर, फाइन आर्ट्स या लिटरेचर के होते हैं शख्सियात, उनको बुला के
कुछ हम ऐसी बातें सुनते हैं कि वो डिसेमिनेशन जो है इस नॉलेज का जो दिखा रहे हैं उसको फर्दर दूसरों का भी फायदा हो, ये प्रोफेसर साहब ने बोली, तो ये एक मुख्य बिंदु या इम्पोर्टेंट बात है यूट्यूब चैनल बोलते हैं ने कि हर और मैं एक हाँ बीच में आपकी बात कर प्लीज रहा हूँ। मतलब प्लीज मैं बताइए। वही बोल रहा हूँ कि जो बोलते आईने के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। अभी मैं काफी अरसे से आपके भी देख रहा हूँ, जैसे और एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, कलाकारों को आप रूबरू कराते हैं, संगीत प्रेमियों के उस्तादों को और उनके जो कलाकार हैं उनको एक बहुत बड़ी आप उसको खोज के ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, और एक नया हर हर आपकी टू जो होती है बातचीत बोलते आईने में, डॉक्टर साहब आपकी एक इसको मैं कहता हूँ, एक आप एक इतिहास रच रहे हैं, मैं ऐसे कह सकता हूँ, या कहता जो को सदी सदियों के लिए वो आपके जे किसी को, जैसे मैं बात कर रहा हूँ बहुत सारे कलाकार की आती रहती है, वो नई की नई बात सुनने को मिलती, और घरानेदार कलाकारों को ऐसी बातें होती हैं उनके पास जो किताबों में नहीं होती, क्या लेकिन बात। वो काम तुम कर रहे हो, अब हाँ सॉरी वो काम जी जी डॉक्टर श्याम देव कर रहे हैं जी जो लोगों तक वो ज्ञान पहुंचा रहे हैं। बहुत हाँ बहुत थैंक यू प्रोफेसर साहब। यही बात हम चाह रहे हैं कि पूरी दुनिया में जितने लोग सुन रहे हैं, आर्ट और कल्चर की दुनिया में जो जुड़े हुए लोग हैं, कि इस बात को फर्दर डिसेमिनेशन कर रहे हैं, फर्दरेंस ऑफ नॉलेज, इंफॉर्मेशन, हेरिटेज, संपदा, ये तमाम चीजें, ये गोल्डन चीज है हमारी, एक सुनहरी चीज है। प्रोफेसर साहब, आपने दुनिया के अलग अलग मुल्कों में जाके, भारत में अलग अलग हिस्सों में जाके परफॉर्मेंसेस दी हैं और बड़ा अच्छा लगा है। तो मैं इस वक्त अपने दर्शकों को, क्योंकि हमारा एक परफॉर्मेंस का भी हम दिखाते हैं यहाँ पे, मुझे याद आ रहा है इस वक्त बड़ा रिसेंटली आपने एक बहुत बड़ा परफॉर्मेंस आपकी रही है, 63rd या 63वां बाबरा संगीत सम्मेलन 2022 में, अभी जो हुआ है नवंबर में, ये जलंधर में हुआ और इसको संगीत कला मंच जलंधर ने प्रस्तुत किया KL सैगल ऑडिटोरियम में 27 नवंबर को, भी रिसेंटली। और वो प्रोग्राम इतना मशहूर हुआ कि आपकी जो सोशल मीडिया पे काफी वो घूम रही है और उस पे बहुत लोगों ने आप के लिए तालियां बजाई हैं और आप बहुत कुछ कहा है कि कितनी विद्वता से आपने जो वहां पर कुछ फरमाइशें, गतें और 7 अरस की चक्करदार गत, जिसे चौरासी मात्राएं बोलते हैं, वो पेश की, तो क्यों ना हम अपने दर्शकों को वो एक छोटे से क्लिप जरूर दिखा दें इस वक्त, क्यों बिल्कुल जी रीसेंट जी है और जी आपके बिल्कुल सटे जी हुए हाथ जी उस पे कितने मादकता के साथ चल रहे हैं, बड़ा मजा आएगा उसको चलाए हम, तो आपकी इजाजत हो प्रोफेसर साहब तो हम दिखा दें वो। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, श्योर।
हमारे तालियां, बहुत सुंदर आपने जो प्रस्तुति करी और बड़ा खूबसूरत ये आपकी जो यहाँ पर चंद फरमाइशें और गतें आपने पेश करी और बल्कि 84 मात्रा में बड़ा सुंदर लगा। अच्छा प्रोफेसर साहब, चलते चलते हमारे जो जितने भी बड़े यहाँ पर शख्सियात आते हैं, हम उनसे मैसेज जरूर लेते हैं अपने, विशेषकर उनके लिए जो कि संगीत की दुनिया में या नृत्य की दुनिया या कला की दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं, और विशेषकर आजकल जो पिछले 2.5 साल या 3 साल से दुनिया घूमी है, एक बिल्कुल चेंज हो गई है, कॉम्प्लेक्शन चेंज हो गया, रिश्ते चेंज हो गए हैं, भावनाएं चेंज हो गई हैं, गाने बजाने की पद्धति चेंज हो गई है, सोशल मीडिया ने अच्छा बुरा सब कुछ करा है, वो आप देख रहे हैं। इस पूरे परिवेश के अंदर और तमाम इंप्रेशन के अंदर आपकी तरफ से कोई हमारे विशेषकर जो यंगस्टर्स हैं जो म्यूजिक के डांस में सीखने वाले, उनके लिए कुछ संदेश या कुछ ऐसी गाइडिंग टिप्स आप देना चाहें, आप क्योंकि काफी सीखे हुए हैं, इस दुनिया को, आर्ट की दुनिया को जिया है, तो आप प्लीज कोई संदेश दीजिए। मैं यही पंजाब के उस्ताद कलाकारों को और सीखने वालों को एक कहना चाहता हूं कि पंजाब एक ऐसा खिता है जहां से संगीत शुरू हुआ और पूरी दुनिया में फैल गया हिंदुस्तान के जरिए। और देखो हमारे पंजाब में 5 ध्रुपद के घराने थे, तलवंडी घराना था, श्याम चौरासी घराना था जी। और बजवाड़ा घराना था, हरियाणा घराना था और कपूरथला घराना था। 5 घराने थे ध्रुपद के, और जहाँ कोई समा था कि ये ध्रुपद धमार का एक गोल्डन एज था, लेकिन उसके जहां पर ये इनका बोलबाला था, ध्रुपद धमार का पखावज का भी था। तो लेकिन मैं यही एक जितनी संगीत की संस्थाएं हैं, चाहे वो धार्मिक संस्था हो, चाहे वो शास्त्री सिंह को समर्पित हो जैसे यूनिवर्सिटीज है या और भी संस्था है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पंजाब के लिए खास करके तो हमारे ध्रुपद धमार की शैली जो प्राचीन शैली है, जो जबरदस्त शैली है, जो एक गंभीर प्रकृति की और वीर रस की ये शैली है, जो भक्ति रस की शैली है, उसके साथ उसको संभालते हुए पखावज को भी संभाले, नहीं तो हम जो प्राचीन शैली है हम उनको संभाल ही रहे तो ऐसे करते 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 आपको एक समय आता है तो वो अलोप हो जाती है, अलोप का मतलब भी कम हो जाती है, कोई चीज का कभी भी नाश नहीं होता। तो भगवान ऐसे कोई ना कोई करता है, आने वाले समय में ऐसा हो जैसे हम, मैं चाहता हूँ जहाँ हम तबले को संभाल रहे हैं, हम आजकल का ट्रेंड भी चल रहा है वो तंती साजों को, जैसे तौस है, इसराज है, दिलरुबा है, ये रबाब है, इसको संभाल रहे हैं, तो पखावज को भी संभालना चाहिए। जैसे मेरा एक मैसेज है संस्थाओं को, मैं इस उम्र में इसको पखावज को कोशिश कर रहा हूँ उसको संभालने के लिए, रियाज के जरिए उसको संभालने की कोशिश कर रही है, और ये संस्थाएं मुझे संभाले, मैं चाहता हूँ कि अपने जैसे जैसे मुझे गुरु जी ने मुझे तालीम दी है, जो पंजाब घराने की जो तालीम है उसको मैं अपने जो बहुत सारे मैं हरभजन सिंह ऐसे तैयार करके जाऊँ, वक्त का कोई पता नहीं होता। तो मैं चाहता हूँ कि इसको और सीखना चाहिए, जितनी हमारी नौजवान पीढ़ी है उसको भी इसको आगे सीखना चाहिए, इसको संभालना चाहिए। बाकी जितनी जब तक मेरे सांस रहेंगे, जब तक मेरे मैं तंदुरुस्त रहूंगा, तो मैं तो कोशिश करता रहूंगा, क्योंकि मेरे गुरु जी संगीत आचार्य का हुक्म है, जहां तक हुक्म है इसका, गुरबानी कीर्तन में भी इसका बड़ा महत्व है।
गुरु नानक काल में, गुरु साहब काल में ये पखावज का बहुत रुबाब और पखावज, जहाँ भाई गरदास की एक तुक मुझे याद आ गई, कर कर बाबा गावी वजन ताल मृदंग रबाबा, जिसको मृदंग और रबाबे बजती थी है? और एक और गुरु अर्जन देव पास का शब्द है आसा राग में, तेरा जन नृत्य करे गुण गावे, तेरा जन नृत्य करे गुण गावे, रबाब पखावज ताल घुंगरू अनहद शब्द बजावे, है ना। तो वो गुरु काल में भी पखावजे बजते थे, गुरु तेग बहादुर साहब महाराज आप पखावजे बजाते थे ऐसा। इसके ऊपर मैंने एक सर्च पेपर पेपर भी लिखा है, गुरबाणी कीर्तन परंपरा में पखावज का योगदान, काफी सारे सर्च पेपर हिंदुस्तानी संगीत के रिसर्च पेपर भी लिखा, गुरबाणी कीर्तन परंपरा में पखावज का योगदान जो छपा हुआ है, और पंजाब घराने में पखावज की विलक्षणता और पंजाब घराने के तालों की, और तालों के विलक्षण ताल, देखो आपको मैं एक बड़ी जबरदस्त इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जहां तक हम कह रहे हैं ना कि ये सारे घरानों के लग गया, आप मुझे पूछ सकते हैं क्यों कैसे लग गया, कोई एग्जाम्पल एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे हमारे तालों की भी अलग अलग, तालों का जो चलन है, तालों की शक्लें अलग है, वो मात्रे भी सेम है। और देखिए जैसे मैं आपको पंजाबी दमार है, पंजाबी दमार दूसरे घरानों में जो बजाते हैं वो घे देते ऐसे बजाते हैं, लेकिन हमारे घराने में जो पंजाबी दमार है वो मध्य लय में बजाते हैं। इसको देखिए, ग्रां धू कित तक ता तड़ा तत्ता गे गे ता कित तक ता कित तक ग्रां, ये इसको पंजाबी दमार भी कहते हैं क्योंकि पंजाब का जो ठेका है। ऐसे ही जो चौताल है उसका भी ठेका अलग है, हम जो ठेका बजाते हैं धा धा धिन ता कित धा धिन ता ऐसा बजाते हैं, है ना। लेकिन हमारे घराने में चौताल का भी ठेका वो अलग है ना, ग्रां ता घे धू ता ऐसे, वो उसमें एक खास है कि यहाँ पर जो खाली मात्रा है उसको खाली छोड़ा गया है, अच्छा ये इसकी विशेषता है। हाँ, तो मैं चाहता हूँ जो जितना हमने सीखा है वो आगे आगे आने वाली जनरेशन को संभालना चाहिए, और जैसे यूनिवर्सिटियां हैं उसको भी प्रिजर्व करना चाहिए, जो हमें गुरु जी ने प्रसाद दिया है तो उसको, जैसे आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं तो किसी ऐसा मिजाज बने, ऐसा आपका मूड बने, तो हम उसका पूरा का पूरा सोलो भी किसी ताल का बजा के जितना भी समा के वो भी एक नक्शा हम सामने रख सकते हैं, विजय पंजाब का है, तो ऐसे पंजाब का सिस्टम है। तो यही का मेरा मैसेज है। और आखिर में मैं बोलते आईने, नाय कितना अच्छा है, बहुत अच्छा नाम है, बोलते आईने, आईने का मतलब रूबरू, आपने हमारे रूबरू कर दिया, आप हमारे रूबरू, हम आपके रूबरू, और उसके बाद साथ में ही हम अपनी जो संगीत प्रेमी हैं, जो संगीत के शौकीन हैं, उनसे भी जी रूबरू हो रहे हैं। इसका नाम कितना जी अच्छा है, जी डॉक्टर साहब जी आपका जी मैं बहुत बहुत दोबारा तहे दिल से मशकूर हूँ, आपने मुझे नाचीज को मौका दिया, अभी क्या सीख के बात, हैं, रियाज की कोशिश कर रहे हैं इसको आगे बढ़ाने की, तो आप साहब की दुआओं से मैं आगे इसको कोशिश कर रहा हूँ अपने गुरु जी कृपा से, तो आप साहब की दुआओं से कर रहा हूँ। तो नाजरीन दिए तो जुड़े हुए सीधे पंजाब धारीवाल से प्रोफेसर हरभजन सिंह धारीवाल साहब। कितनी मीठी, कितनी खूबसूरत बात करी, हमारे आर्ट कल्चर को प्रमोट करना और विशेषकर उसमें पखावज का योगदान और पंजाब घराने का जो पखावजी रंग है उसको लेके कितनी बातें, परफॉर्मेंस हमने सुनी। हम आपको बहुत बहुत मुश्तरका अपनी तरफ से एक बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं प्रोफेसर साहब। तमाम बोलते आईने की बिरादरी जितनी भी है दुनिया भर से जितने देख रहे हैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और जाते जाते बस यही कहेंगे कि ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, वाह वाह क्या बात है, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले, और अब के बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले हैं। बहुत बहुत वाह थैंक वाह यू सो मच प्रोफेसर आपका साहब। धन्यवाद, थैंक आपका यू धन्यवाद, सभी थैंक यू थैंक श्रोताओं का धन्यवाद। थैंक बोलते आईने